अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका के विदेश विभाग ने एक धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक विशेष चिंता वाले देशों की सूची जारी की है। उसमें तो देखेंगे कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है उसमें, और भारत का रुख क्या है, भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उसके बारे में भी देखेंगे, और आखिर होती क्या है, किस तरह से ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि कई बार आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस में पूछ लेता है, या फिर आंसर राइटिंग आप लिख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, उस समय भी इस तरह के पॉइंट आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इस पर आप देखेंगे ये है एशिया में हमारा प्यारा भारत। अगर आपके पड़ोसियों की बात करें तो यहाँ आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, नीचे ये म्यांमार जिसे आप लोग बर्मा कहते थे पहले, ये बांग्लादेश है, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। याद रखिए जो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं इनसे किन किन राज्यों की सीमा लगती है, कितने राज्यों की कितने देशों से सीमा लगती है, ये सभी पॉइंट आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। जिस तरह से लोगों को आप देखते हैं कि हनुमान चालीसा याद होता है, कोई आरती याद होती है, तो उसी तरह आप लोगों को भी ये याद हो जाना चाहिए। और सभी देशों की, और याद रखिए अंदर भी आपके राज्यों की सबसे ज्यादा, कई बार क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है सबसे ज्यादा सीमा किन के राज्यों से लगती है, कौन से राज्य की, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, और यहां से आप लोग जाएंगे तो अमेरिका, तो आपको देखने को मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं मैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में पाकिस्तान और चीन के साथ साथ अन्य 8 देशों को धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के चलते विशेष चिंता वाले देशों की सूची में शामिल किया है। इससे पहले आप देखेंगे अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 जारी की थी, जो विश्व भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का एक सर्वेक्षण है। और इसमें अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो विशेष चिंता वाले देशों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में सीपीसी में शामिल करने की सिफारिश अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग द्वारा की जाने वाली शीर्ष स्तर की सिफारिश है, और गंभीर उल्लंघन के मामलों में इसके बाद विशेष निगरानी सूची देशों की का स्थान आता है। यह वर्ष 1998 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरूप है, जिसे संयुक्त राज्य की विदेश नीति के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। और अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो उन देशों में अधिक से अधिक धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना जहां लोग धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के में संलग्न होते हैं और इसे सहन करते हैं। यह अधिनियम विदेशों धार्मिक विश्वासों और गतिविधियों के चलते सताए गए व्यक्तियों का भी समर्थन करता है। याद रखिए पाकिस्तान और चाइना के मामले में तो हम लोग ले सकते हैं इसके, और सही भी हो सकता है, क्योंकि एक समय आपने देखा होगा कि चाइना मतलब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 की बात कर रहा हूं मैं, तो एक बड़ी संख्या में हिंदू कई धर्म वाले पाकिस्तान भी गए हुए थे। आज आप देखेंगे इनकी संख्या ना के बराबर है, तो कहाँ गए हुए हैं लोग, या तो इन्हें मार दिया गया या इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। आप देखेंगे पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, इरिटिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान को सीपीसी में शामिल किया गया है। इन सामान्य जानकारी के लिए इन सभी देशों को भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि एक देश धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्थित नियंत्रण और घोर उल्लंघन में या तो लिप्त है या फिर उल्लंघन होने दे रहे हैं, और ये सही भी आप देखेंगे पाकिस्तान के। और देखिए चीन के बारे में तो हम पूरी तरह से सहमत हैं इस बारे में, क्योंकि आप देखते हैं आप किस तरह की मानव जिंदगी है। चाइना में तो आप देखते हैं आवाज भी नहीं उठा सकते आप, जिस तरह से आप कुछ भी बोल देते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री को भी बाल आपको गाली देने का हक हो जाता है, कभी कभी आप देखते होंगे। लेकिन यहाँ अगर आप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहते हैं, किसी आप देखेंगे कि कोई भी अगर मुद्दा है उस पर आप विपक्ष में जाते हैं, या आप मीडिया यहाँ की अगर सपोर्ट नहीं करती है तो उन्हें भी इसका भुगतान करना पड़ता है। नाइजीरिया पहला धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र है जिसका नाम सीपीसी में शामिल किया गया है। और याद रखिए कि अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा USCIRF द्वारा भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम को भी सीपीसी के रूप में भी नामित करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। इससे पहले आप देखेंगे USCIRF ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को विशेष चिंता वाले देशों में यानी सीपीसी की श्रेणी में सबसे निचले दर्जे में शामिल किया था। और आपको याद होनी चाहिए पिछली बार भारत पर भी जोर दिया गया था, तब कई ने कहा था कि वो चाइना और पाकिस्तान के
साथ हमारी तुलना की जा रही है, हमें उस कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो चाइना और पाकिस्तान के असलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया जानती है यहाँ की जो भी आबादी है उनके बारे में कि क्या किस तरह से भेदभाव किया जाता है, लेकिन भारत के बारे में दुनिया जानता है कि हमारे यहाँ जितनी छूट मिली हुई है मुझे नहीं लगता है कहीं आपको मिली होगी। आप देखते होंगे आपको संविधान में आपको धर्म मानने की, कोई भी धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, एक तरह से कोई रोक टोक नहीं है, आप किसी भी धर्म से हैं, सरकार किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलती है, सबको बराबर अधिकार देती है। और याद रखिए हमारे यहाँ कई जाति हैं, कई धर्म हैं, कई समूहों में बटे हुए हैं, फिर भी हम लोग एक बने हुए हैं, समझ रहे हैं आप लोग, इतनी छूट अपने अपने धर्म को एक तरह से मानने की है। इस रिपोर्ट में भारत का क्या कहना है, भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विदेशी सरकार के पास इसके भारत के नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों पर टिप्पणी करने की कोई अधि स्थिति नहीं है। विशेष निगरानी सूची की बात करें तो इस सूची में ऐसी सरकारें शामिल हो हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन में या तो लिप्त हैं या फिर उल्लंघन होने दे रही हैं। कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस इस सूची में शामिल हैं। सूडान और उज्बेकिस्तान को पिछले एक साल में उनकी संबंधित सरकारों द्वारा की गई महत्वपूर्ण ठोस प्रगति के आधार पर इस सूची से हटा दिया गया। पहले सूडान और उज्बेकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया था। विशेष चिंता वाली एंटिटी की बात करें तो इस सूची में अल कायदा, बोको हराम, नाइजीरिया आधारित, होती, यमन, ISIS इस्लामिक स्टेट, ISIS ग्रेटर सहारा, ISIS पश्चिम अफ्रीका और तालिबान आदि शामिल हैं। और इन्हीं के कारण आप देखेंगे इन क्षेत्रों में अशांति फैली रहती है। और आप देखते हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जो है ये हमारे देश में भी काफी अशांति फैलाने की कोशिश करता रहता है। चाइना भी हमारे यहाँ की स्थिति आप देखते हैं वो भी हमारी दखलंदाजी करता रहता है। अगर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा गारंटी की एक मौलिक अधिकार है। आप जानते हैं भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आपके 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनमें आपका स्वतंत्रता, समता, इस तरह के सभी अधिकार दिए गए हैं आपके। लेकिन आप देखते होंगे कि 25 से आर्टिकल 25 से यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। इसमें आप देखेंगे आर्टिकल 25 में तो अंतःकरण की और धर्म की अवैध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, मान सकते हैं अपने धर्म को। देखिए एक अपवाद लगाया जाता है, सरकार तब तक कोई आपके अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं करेगा जब तक कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन ना करते हो या फिर देश की एकता, अखंडता और शांति को भंग ना करते हो। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपने आपके आपको अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी करने लग जाए, किसी भी तरह से लालच दे के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने लग जाए तब सरकार हस्तक्षेप करेगी, समझ रहे हैं आप लोग। अनुच्छेद 25-26 की बात करें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है। कौन? 29 और 30। एक बात और बताऊं आप लोगों को, आपने सुना होगा कि जब हम आजाद हो रहे थे तो कई देशों द्वारा कहा गया कि भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे, और ये हकीकत भी थी। आप समझिए कि हमारे यहाँ 564-565 रियासतें थी और सभी अपने अपने देश मतलब अलग देश बनने की ख्वाब देख रहे थे। लास्ट में आप देखते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को तो लास्ट तक लड़ते रहते हैं, हकीकत थी। लेकिन आप सोचिए हमारे जो भी उस समय के नेता रहे हैं उन्होंने इस तरह से संविधान बनाया, संविधान ही हमारा राष्ट्रवाद बनकर बन गया। और आज भी आप देखते हैं कि दुनिया मतलब किसी को आपको प्रधानमंत्री में भरोसा है नहीं है, आपको अपने विधायकों में भरोसा है या नहीं है, लेकिन आपको संविधान पर जरूर भरोसा होगा। वही है, यही एक तरह से आपका आपको जोड़ के रखे हुए है, सबको आपके अधिकार दिए हुए है, समझ रहे हैं आप लोग। हमारे यहाँ विभिन्न धर्म है, समूह है, जाति है, फिर भी हम लोग एक रह रहे हैं और एक तरह से जी रहे हैं। ठीक है, तो काफी हमारे यहाँ स्वतंत्रता मिली हुई है, एक नहीं कह सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह से। अब एक तरह से आप कहिए 1947 में, बार बार बोल रहा हूँ कि 1947 को भली हमें आजादी मिल चुकी थी
लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि उस दिन आजादी मिली थी। उस दिन आजादी हमारे देश के कुछ खास नेताओं के हाथ में आ चुकी थी। वही है कि आपके घर में कोई आया, आपको एक पोटली कुछ भी थमा के दे गया, ठीक है, आपके परिवार के किसी मेंबर को। अब उसमें जो भी है खाना है मान लीजिए, तो घर में सभी मेंबर को देना वो खाना उसकी जिम्मेदारी थी। अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन हमें असल में आजादी गरीबों को, पिछड़े जो भी रहे हैं, दलित एसटी एससी जो भी रहे हैं, आपके महिलाएं, उनको आजादी की प्रोसेस उस समय से शुरू हुई है। और ये अगर क्रम से चलती रहती और सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहते तो हमारा देश बहुत आगे निकल चुका होता। आज भी आप देखते हैं कई जगह इस तरह के भेदभाव आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी काफी चर्चित आपने देखा होगा सबरीमाला मंदिर विवाद, एसटी एससी के साथ भी अभी भेदभाव आप देखते रहते हैं। तो ये 21वीं सदी में हम लोग पहुंच चुके हैं और बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जापान के प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख का कहीं बयान पढ़ रहा था। आप जानते होंगे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में वहां परमाणु बम गिराए गए 2 बार, और आप समझ सकते हैं कि फिर भी वो विकसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है देश। तो कहने का उनका इतना ही था कि हमारे यहाँ कर्तव्य, अपने जो भी जनता है वो अपना कर्तव्य निभाती है, और दूसरी बात हमारे यहाँ जाति पाति में नहीं बटा हुआ है कि एक दूसरे से लड़ते रह गए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ के नेता क्या करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहिए, राम मंदिर मस्जिद इस तरह से लड़ाते रहिए, अपना वोट बैंक पाते रहिए, देश को भाड़ में जाने दीजिए, और वही हो रहा है, आप भी तो देख रहे हैं ना। आप समझिए मुद्दे होना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के। और याद रखिए इस तरह के जिस दिन भी मुद्दे हो गए, उस समय आप सोचिए हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है। अभी तो आप देख रहे होंगे दूर दूर तक इस तरह के नजर ही नहीं आ रहे हैं मुद्दे, समझ रहे हैं आप लोग। और इसमें मैं ये नहीं बोलता हूं कि नेता जिम्मेदार है, इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार हम जनता है। आप वोट देते हैं, आपने देखा होगा अगर एक सीधा साधा और एक ईमानदार अगर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो कभी चुनाव नहीं जीत पाएगा। एक माफिया जिसकी आपने सफल सकल भी नहीं देखी होगी, आपके क्षेत्र में नहीं आया होगा, फिर भी आप उसे ही वोट देते हैं। मैं कई ऐसे सांसदों को जानता हूं जो अपनी जो भी उनका संसदीय क्षेत्र है उसमें कभी उन्होंने सकल नहीं दिखाई, फिर भी वो जीतते आ रहे हैं। तो इसमें किसे कहें हम लोग, जनता ही बेवकूफ है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए खैर छोड़िए ये सभी अलग मामले हैं, इसमें आप लोग अपने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उन्हें भी याद रखिए, और इन इस रिपोर्ट को भी याद रखिए, इससे संबंधित जो भी पॉइंट है आपको उन्हें भी याद रखना है। और मैं एक और बात कहूँ यार कि आप लोग जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं इन्हें आप लोग रट लीजिए एक तरह से हर एंगल से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जा रहे हैं आप लोग। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कम से कम आप लोग 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के देखिए, लिखित परीक्षा के देखिए। मैं सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस के लिए केवल नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दुनिया में, कम से कम उसके बारे में आप लोगों को जानकारी तो होना चाहिए, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह का उसका पैटर्न है। तो अभी भी टाइम है, आप लोग कम से कम अपनी टेबल पर जहां भी आप बैठते हैं वहां क्वेश्चंस पेपर बैंक होनी चाहिए और आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। ये 2 चीजें आपके एक तरह से आपके लिए रामायण है आपके लिए, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए।